राजौरी में त्रयार इलाके की बात करें तो वहां पर हुए सड़क हादसे में जो घायल लोग हैं उन्हें जो है वो इस वक्त जीएमसी जम्मू में जो है वो इलाज के लिए लाया गया है। तस्वीरें जो है वो आप साफ तौर से यहां पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हें जीएमसी जम्मू की बात करें तो वहां पर जो है वो शिफ्ट। राजौरी के त्रयार के आलिया गाँव में एक यात्रियों से भरी जो मिनी बस थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये लोग राजौरी से जो है वो शिवखोड़ी की तरफ जा रहे थे जो बीच सड़क हादसे का जो है वो शिकार हुई और इस वक्त जो घायल है उन्हें जीएमसी जम्मू की बात करें तो वहां पर जो है वो लाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये घायल जो है वो लोग हुए हैं जिसके बाद ये लोग जो हैं वो इस वक्त घायल हुए थे हादसे में, उन लोगों को जो है वो यहाँ पर लाया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो सात लोग जो हैं उन्हें यहाँ पर पहले शिफ्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि जो घायल लोग हैं उन्हें इस वक्त जो है वो जीएमसी जम्मू में लाया गया है। यहाँ से जो है वो इन्हें इलाज के लिए अंतर्वर्ती जो है वो करवाया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि अभी जो सात लोग हैं, शुरुआती जानकारी यह है कि सात लोग जो हैं उन्हें जो है वो जीएमसी में जो है वो लाया गया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि इन लोगों को जो है वो जीएमसी में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। शिवखोड़ी की बात करें तो वहां पर ये लोग जो हैं वो जा रहे थे, राजौरी के रहने वाले लोग थे ये, और इन्हें जो है वो आप देख सकते हैं कि जीएमसी जम्मू की बात करें तो वहां पर लाया गया है। और ये देखिए आप जो घायल अवस्था में लोग हैं इन्हें जो है वो फिलहाल के लिए जो है वो लाया गया है जम्मू की बात करें तो वहां पर, जहां ये इस वक्त अस्पताल में लोगों को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। देख सकते हैं कि पुलिस की बात करें तो वो जवान भी हम अरविंदर कुमार हैं, मैं 108 का पायलट हूं। मैं अपने साथ तीन पेशेंट को लेके आया हूं, जिनमें से दो क्रिटिकल हैं, एक नॉर्मल है, और बाकी चार गाड़ियां जो और आई हैं, एक ये रही मेरे साथ में, ये हमारे साथ में आई है। तो कम से कम 15 के आसपास लोग जो इंजर्ड हैं, टू पर्सन इज एक चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो एक जंग है जो डेड हो गया ऑन द स्पॉट। कितने लोगों को जम्मू रेफर किया सर? मैक्सिमम जो भी इंजर्ड हैं उनको सभी को जम्मू रेफर किया, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन है सभी की। आपने सुना कि जो चालक एम्बुलेंस के इन लोगों को लेकर यहां पर पहुंचे, उनका भी ये कहना है कि ये जो घायल हैं सब लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, क्योंकि ये जो हादसा था वो एक मिनी बस जो है वो सड़क से लुढ़क कर काफ़ी नीचे खाई में जा गिरी, जिसके बाद वहां पर जो स्थानीय लोग और पुलिस के लोग मौजूद थे उन्होंने इन घायलों को दोपहर निकाला और वहां से निकाल कर इन्हें सबसे पहले 38 PHC की बात करें तो वहां पर ले जाया गया। और इन लोगों की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, तमाम लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और लगभग सभी को जम्मू जो है वो रेफर किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं 7 से 8 लोग जो हैं दो एम्बुलेंस में अभी तक यहाँ पर जो हैं वो पहुँच चुके हैं और बाकी लोग जो हैं उन्हें भी यहां पर जो है वो लाया जा रहा है। और दुखद खबर यह है कि एक बच्चा जो है और एक दूसरे शख्स जो है उनकी इस सड़क हादसे में जो है वो मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, मामला जो है वो दर्ज किया गया है। सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जाए, उनकी जान जो है वो किसी तरह से बचाई जाए। कुछ लोगों की जान बचाने में पुलिस और स्थानीय लोग जो हैं वो जरूर सफल हुए हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि आज शिवरात्रि के दिन राजौरी से शिवखोड़ी की तरफ जा रहे जो श्रद्धालु थे उनसे भरी हुई एक मिनी बस जो है वो त्रयार के आलिया जो क्षेत्र है वहां पर सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी है, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है और 19 लोग घायल हैं। और जो घायल हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो है उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है और उन्हें जीएमसी जम्मू की बात करें तो वहां पर जो है वो लाया गया है। पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन जो है वो कर रही है, अभी शुरुआती बिल्कुल जानकारी है और ये अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर जो सड़क हादसा है उसके कारण क्या रहे। रवि शर्मा, UNT जम्मू।